स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है, जो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जयंती दिवस है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में भारत रत्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। आइए जानते हैं खेल रत्न के बारे में। यह पुरस्कार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर है। इसे 1991-92 में स्थापित किया गया था। पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे, जिन्हें वर्ष 1991-92 में प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नवीनतम विजेता विराट कोहली और मीराबाई चानू हैं। इन्हें वर्ष 2018 में यह पुरस्कार दिया गया था। इस पुरस्कार में विजेता को एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। आइए जानते हैं खेल रत्न के लिए इस साल नामित खिलाड़ियों को। इस साल खेल रत्न बजरंग पूनिया, जो कि कुश्ती से हैं, और दीपा मलिक, जो पैरा एथलेटिक्स हैं, को दिया जाना है। बजरंग पूनिया हरियाणा के झज्जर ज़िले से हैं और दीपा मलिक हरियाणा के ही भैंसवाल ज़िले से हैं। खेल रत्न खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों को दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। हमारा दूसरा पुरस्कार है ध्यानचंद पुरस्कार। आइए जानते हैं ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में। ध्यानचंद पुरस्कार वर्ष 2002 में भारत के महानतम हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद के नाम पर शुरू किया गया था। इस पुरस्कार में एक ध्यानचंद की कांस की प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और ₹5 लाख नगद भत्ता शामिल है। यह पुरस्कार युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा वितरित किया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार के पहले विजेता हॉकी के लिए अशोक दीवान, मुक्केबाजी के लिए शाहरुराज विराजदार और बास्केटबॉल के लिए अपर्णा घोष थे। ध्यानचंद पुरस्कार आमतौर पर एक वर्ष में अधिकतम 3 खेल व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। आइए अब जान लेते हैं इस वर्ष ध्यानचंद पुरस्कार के लिए नामित खिलाड़ियों के बारे में। इस वर्ष ध्यानचंद पुरस्कार के लिए 5 लोगों को नामित किया गया है। इनमें से पहले हैं मैनुअल फेडरिक हॉकी के लिए, मनोज कुमार कुश्ती के लिए, नटीन कीर्तने टेनिस के लिए, सी लाल रेम संगा तीरंदाजी के लिए, अरूप बसाक टेबल टेनिस के लिए। इन सभी लोगों को इस वर्ष ध्यानचंद पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। हमारा अगला पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। आइए जानते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1985 में गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर की गई। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेलों में कोचों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के लिए नामांकित होने के लिए एक खेल व्यक्ति को लगातार 3 साल तक उत्कृष्ट प्रदर्शन करना बहुत महत्वपूर्ण है। पुरस्कार के विजेताओं को एक प्रमाण पत्र, द्रोणाचार्य की कांस की मूर्ति, एक औपचारिक पोशाक और ₹5 लाख नगद दिया जाता है।
द्रोणाचार्य पुरस्कार हर साल युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता भालचंद्र भास्कर भागवत कुश्ती के लिए, ओम प्रकाश भारद्वाज बॉक्सिंग के लिए और ओम नामवियार एथलेटिक्स के लिए थे, जिन्हें 1985 में सम्मानित किया गया था। आइए अब जान लेते हैं इस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए किन्हें नामित किया गया है। इस वर्ष कुल 6 लोगों को इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में पहले नामित कोच हैं विमल कुमार बैडमिंटन के लिए, दूसरे संदीप गुप्ता टेबल टेनिस के लिए और तीसरे हैं मोहिंदर सिंह ढिल्लो एथलेटिक्स के लिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार आजीवन श्रेणी में नामित पहले कोच हैं मेहजबान पटेल हॉकी के लिए, दूसरे कोच हैं संजय भारद्वाज क्रिकेट के लिए और तीसरे कोच हैं रामवीर सिंह खोखर कबड्डी के लिए। हमारा अगला पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। आइए जानते हैं अब अर्जुन पुरस्कार के बारे में। राष्ट्रीय अर्जुन पुरस्कार वर्ष 1961 में शुरू हुआ था। यह खेल रत्न पुरस्कार के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार 4 साल तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है। केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय इस पुरस्कार से खिलाड़ियों को सम्मानित करता है। इसमें अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा, एक स्क्रॉल और 5,00,000 रुपये मौद्रिक पुरस्कार दिया जाता है। आइए जानते हैं इस वर्ष अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित खिलाड़ियों के बारे में। इस वर्ष कुल 19 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इन खिलाड़ियों के नाम हैं तेजिंदर पाल सिंह तूर एथलेटिक्स के लिए, मोहम्मद अनस याहिया एथलेटिक्स के लिए, यश भास्करन बॉडी बिल्डिंग के लिए, रविंद्र जडेजा क्रिकेट के लिए, चेस्ले साना कंगुजम हॉकी के लिए, अजय ठाकुर कबड्डी के लिए, गौरव सिंह गिल मोटर स्पोर्ट्स के लिए। गौरव सिंह गिल मोटर स्पोर्ट्स के लिए अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित होने वाले पहले खिलाड़ी हैं। अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित 8वीं खिलाड़ी हैं सोनिया लाठर मुक्केबाजी के लिए, 9वीं प्रमोद भगत पैरा स्पोर्ट्स बैडमिंटन के लिए, 10वें अंजुम मौद गिल निशानबाजी के लिए, 11वां हरमीत राजुल देसाई टेबल टेनिस के लिए, 12वां पूजा ढांडा कुश्ती के लिए, 13वां फौद मिर्जा घुड़सवारी के लिए, 14वां गुरप्रीत सिंह संधु फुटबॉल के लिए। 15वें खिलाड़ी हैं पूनम यादव महिला क्रिकेट के लिए, 16वीं स्वप्ना वर्मन एथलेटिक्स के लिए, 17वां सुंदर सिंह गुर्जर पैरा स्पोर्ट्स एथलेटिक्स के लिए, 18वां बाम दीपति साई प्रणीत बैडमिंटन के लिए, 19वां सिमरन सिंह शेरगिल पोलो के लिए। तो दोस्तों, ये था हमारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड पर फुल वीडियो। अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।